अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द मार्किंग वीडियो ऑफ द फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट फर्स्ट ईयर एम्ब्रियोलॉजी। तो लेट्स बिगिन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है वो है हेड एंड टेल फोल्ड। ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक यूएचएस में आया नहीं है, लेकिन हम इसे किसी हद तक कह सकते हैं इस चैप्टर में से, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, कोई ना कोई क्वेश्चन तो हमें रखना पड़ेगा। तो हेड एंड टेल किसी हद तक है, इसको अपने नोट्स की फॉर्म में लिख लें, डायग्राम से समझ लें। हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग आप कह सकते हैं किसी हद तक इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ द हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग। बाकी आप जस्ट रीड आउट कर सकते हैं, यू मे स्किप। डेरिवेटिव और जम्स लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपने कुछ नहीं करना यहाँ से, ठीक है। जस्ट डू डैट टेबल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यही है। तो रैंक वाइज अगर मैं कहूँ इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं एक और पे, फीचर्स पे। इसमें से काफ़ी सारे एम सी क्यू आते हैं, एक दो एम सी क्यू पक्का इस टेबल में से आ जाते हैं। आपने इसको निमोनिक के साथ याद कर लेना, निमोनिक आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे सोन, सो से स्टूडेंट फॉर डैट। देन हम मूव ऑन करते हैं, ये टेबल है 5.1। ओके, तो ये हो गया हमारा। देन हम एस्टिमेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक एज, ये एक इम्पॉर्टेंट एम सी क्यू प्लस यू क्यू पॉइंट है, ये सारा आपने स्किप करते जाना है यहाँ से, ठीक है जी। यहाँ पे ये देखें एस्टिमेशन, इसमें ये जो होती है CRL वो क्या होती है, इसका थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, इसको आपने थोड़ा सा रीड कर लेना है, डैट इज़ मोर देन इनफ। ये जो सारा बाकी चैप्टर है यू कैन स्किप इट, इसमें से कुछ भी नहीं आता, इसमें से कुछ नहीं आता, इसको आप क्रॉस लगाते जाएं, ठीक है जी। सो इसमें से आपने बेसिकली एक इस टेबल को एम सी क्यू के लिए थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, डेरिवेटिव्स के निमोनिक आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, अगर आप खुद बना सकते हैं तो वेल एंड गुड। बाकी इसमें से ऐसा कोई यू क्यू नहीं आया हुआ, ठीक है जी। डेट्स ऑल अबाउट द फोर्थ वीक ऑफ द डिवेलपमेंट।